नमक हमारे खाने का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अगर नमक सही ना हो तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो नमक कैसा यूज करें, कौन सा यूज करें, नमक से रिलेटेड क्या गलतियां हम करते हैं अपने किचन में कुकिंग के दौरान, और हाँ, प्रेगनेंसी में नमक से रिलेटेड क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सब आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हेलो, वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी में एडिमा की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, पैर और हाथों में सूजन की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम हो, इन सब से बहुत ज्यादा रिलेट करता है आपका सॉल्ट। जब बीपी की प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, तो आपको आपके डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं कि आप सेंधा नमक खाएं या जो रॉक साल्ट पिंक सॉल्ट होता है आप उसका इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि उनमें सोडियम कम होता है और कम सोडियम लेने से वाटर रिटेंशन कम होता है और बीपी में थोड़ा बहुत आराम मिलता है। लेकिन नमक कैसा खाएं जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे ज्यादा इंडिया में अगर हम देखें तो जो आयोडाइज्ड नमक लगभग 20 रुपए से 30 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है, मार्केट में मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो शुद्ध है? क्या आपको लगता है कि उसमें आपके पोषण के लिए जो नमक से पोषण हमें मिलना चाहिए वो सब कुछ है? जानते हैं फ्रेंड्स, जो व्हाइट सॉल्ट अपने किचन में यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस होकर आता है, फिल्टर होता है, रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजरता है, उसको इतना सुंदर और सफेद और दानेदार बनाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स, साथ ही एंटी केकिंग की, ताकि वो जमे ना, उसके डले ना बने, एंटी केकिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। अब इतना सारा केमिकल हम खा रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी होता है कि ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है। प्रेगनेंसी में आयोडीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में टीवी पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऐड दिया करती थी कि आयोडाइज सॉल्ट खाएं जिससे प्रेगनेंसी में गर्भ में पल रही संतान का दिमागी विकास अच्छा हो, क्योंकि आयोडीन की कमी से बच्चे में मंद बुद्धिपना या अन्य विकृतियां आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए हम बातें हैं कि हम व्हाइट सॉल्ट खाएं, लेकिन इतने सारे केमिकल और इतनी सारी प्रोसेसिंग के बाद में भले ही उसमें आयोडीन ऐड कर दिया जाता हो, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग में ढेर सारे वाइटल मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे में आप सभी उलझन में पड़ जाएंगे, फिर नमक नहीं खाएं तो फिर कौन सा नमक खाएं? तो फ्रेंड्स, आप पिंक हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप व्हाइट सॉल्ट को पर्टिकुलर रेशियो 50-50 रेशियो में आप पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक के साथ ऐड करें, क्योंकि व्हाइट सॉल्ट अलग से फोर्टिफाई होता है आयोडीन में, लेकिन पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो होता है वो डेफिशिएंट होता है आयोडीन के अंदर। कई बार लोग खड़ा नमक, जो समुद्र का खड़ा नमक आता है, उसको भी कुकिंग में यूज करने लग जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। समुद्री नमक जो होता है उसमें कई सारे पॉल्यूटेंट हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड वगैरह। कई जगह ऐसा देखा है कि उसी समुद्री नमक, खड़े नमक को यूज करते हैं, तो ये गलती ना करें। आप पिंक सॉल्ट लें, हिमालयन सॉल्ट लें, रॉक सॉल्ट लें, सेंधा नमक जो होता है पिंकिश कलर में, उसको व्हाइट सॉल्ट के साथ आप मिक्स कर लें, ताकि आपको आयोडीन भी मिले और अदर मिनरल्स भी आपको मिल सके। ये एक सही तरीका है। इसके अलावा और भी कई चीजें जो प्रेगनेंसी में बीपी इशू इंड्यूस करती हैं, इन्फ्लेमेशन, वेट गेन को इंड्यूस करती हैं, वो क्या है? वो है आपका बेकरी आइटम्स, केक, कुकीज, जो भी आप बेक या बिस्किट के फॉर्म में चीजें खाते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारा मीठा सोडा एंड बेकिंग सोडा ऐड होता है और उसमें काफी मात्रा में सोडियम होता है, तो वो आपके शरीर में जाके वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है। शरीर में अगर सूजन आ रही है हाथ या पैरों में, तो इस कंडीशन में भी आप हाई सोडियम फूड्स को आप अवॉइड करें, जैसे कि पालक है, पालक भी हाई सोडियम फूड होता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप आयोडीन की बात करें कि आयोडीन हमें किस फूड से मिल सकता है, तो जितने आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूध और उससे बनने वाली सारी चीजें, इनमें आपको आयोडीन मिलता है, मछलियों में मिल जाता है आपको। इसके अलावा जो एग है, एग का जो पीला हिस्सा है उसमें आपको आयोडीन मिल जाता है। कई सारी सब्जियां हैं जिनमें आपको आयोडीन मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में संतुलित आहार खाएं जिससे कि आपको सारे पोषक तत्व मिलते रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।